दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मैंने आपके टेस्ट ऑफ व्यू से सारे सवाल इंपॉर्टेंट लिए हुए हैं, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला सवाल, भारतीय नौसेना ने 32 साल बाद किस INS को सेवा मुक्त किया? दोस्तों INS खुकरी पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्बेट आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। यह युद्धपोत मझगांव डाक शिपबिल्डर द्वारा बनाया गया था और 23 अगस्त 1989 को कमीशन किया गया था, और यह पश्चिमी और पूर्वी दोनों बेड़ों का हिस्सा था। यह जहाज को मुंबई में तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री कृष्ण चंद्र पंत और स्वर्गीय कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला की पत्नी श्रीमती सुधा मुल्ला द्वारा कमीशन किया गया था। दोस्तों भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार हैं। हमारा अगला सवाल है, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल और किसने मिलकर सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का अनावरण किया है? दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा और भारतीय नौसेना की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के कर्मियों के लिए एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेश किया है। यह कार्ड संपर्क रहित सुविधाओं से लैस होगा और रुपए प्लेटफॉर्म पर पेश किया जाएगा। हमारा अगला सवाल है, डाक प्राइम टेक ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत होकर भारत के पहले किस लॉकर को लॉन्च किया है? दोस्तों डाक प्राइम टेक ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत भारत का पहला स्वास्थ्य लॉकर लॉन्च किया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को देश में एक एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना विकसित करने के लिए अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एकीकृत हेल्थ लॉकर उपयोगकर्ताओं को बिना किसी शुल्क के एक डिजिटल और सब सहमति वाला स्वास्थ्य डाटा प्रबंधन प्रणाली प्रदान करेगा। यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वास्थ्य रिकॉर्ड का भंडारण और प्रबंधन करेगा। हमारा अगला सवाल, किस राज्य में विश्व संगीत तानसेन उत्सव का 97वां संस्करण ग्वालियर में शुरू हुआ है? दोस्तों मध्य प्रदेश में विश्व संगीत तानसेन उत्सव का 97वां संस्करण ग्वालियर में शुरू हुआ। 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक शहर में 5 दिवसीय विश्व संगीत तानसेन उत्सव शुरू होता है। कार्यक्रम के मंच का निर्माण ओंकारेश्वर स्थित सिद्धनाथ मंदिर की थीम पर किया गया है। संगीत समारोह में भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी कलाकार भाग लेंगे। दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूबाई सिंह पटेल हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। हमारा अगला सवाल, अनुकृति उपाध्याय की किस पुस्तक ने सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता है? दोस्तों अनुकृति उपाध्याय ने अपने उपन्यास की तुसंगी के लिए फिक्शन की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता है, जिसे फोर्थ एस्टेट शाप द्वारा प्रकाशित किया गया था। रतनलाल फाउंडेशन और भोपाल साहित्य और कला महोत्सव के आयोजन समिति ने एक महिला लेखक द्वारा लिखित और 2020 में प्रकाशित उपन्यास के लिए इस उल्लेखनीय पुरस्कार के लिए विजेता की घोषणा की। यह पुरस्कार श्री रतनलाल फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। हमारा अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने निगरानी प्रणाली CM डैशबोर्ड तमिलनाडु 360 की शुरुआत की है? दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड निगरानी प्रणाली CM डैशबोर्ड तमिलनाडु 360 लॉन्च की है। यह CM को सभी कल्याणकारी योजनाओं को ट्रैक करने में सक्षम करेगा, जिसमें उनके कार्यान्वयन की स्थिति, फंड आवंटन और लाभार्थियों की संख्या के साथ साथ बांधों और वर्षा पैटर्न में पानी के भंडारण पर अपडेट शामिल है। दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालियन हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि हैं। हमारा अगला सवाल, केरला में बनाई जा रही सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना का क्या नाम है? दोस्तों केरला राज्य में बनाई जा रही सिल्वर लाइन एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना है। इस परियोजना में राज्य के उत्तरी और दक्षिण छोर के बीच 200 किलोमीटर की गति से चलने वाली ट्रेनों को तैनात करना शामिल है। केरल रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निष्पादित सिल्वर लाइन के खिलाफ पूरे केरला में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस परियोजना की अनुमानित लागत 63,940 करोड़ रुपये है। इस परियोजना की समय सीमा 2025 है। हमारा अगला सवाल, शक्ति अपराधी कानून विधायक किस राज्य में प्रस्ताव रखा गया है? दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने शक्ति विधायक में संशोधन के लिए एक संयुक्त चयन समिति की सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट पेश की है। महाराष्ट्र सरकार ने शक्ति अपराधी कानून विधायक 2020 में बलात्कार, एसिड हमले जैसे अपराधों के लिए सजा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। दोस्तों महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 में हुआ था। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के कुल जिले 36 हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह किशोरी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हैं। हमारा अगला सवाल, गुजरात के मुख्यमंत्री ने किस माइक्रो बॉलिंग साइट का गुजराती संस्करण लॉन्च किया है? दोस्तों गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भारतीय बहुभाषी माइक्रो बॉलिंग साइट कू का गुजराती संस्करण लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन लोगों को अपनी मातृभाषा का उपयोग करके सामग्री साझा करने और दूसरों के साथ जुड़ने में सक्षम बनाता है। गुजराती लॉन्च के साथ कू अब हिंदी, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, असामी, पंजाबी, बंगाली और अंग्रेजी सहित 10 भाषाओं में उपलब्ध है। दोस्तों गुजरात का गठन 1 मई 1960 में हुआ था। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। हमारा अगला सवाल, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव जबड़े की मांसपेशियों के एक नए हिस्से की खोज की है?
दोस्तों स्विट्जरलैंड के वैश्य विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव जबड़े के मांसपेशियों के एक नए हिस्से की खोज की है। वैज्ञानिकों ने मासेस्टर मांसपेशी की संरचना को एक अतिरिक्त तीसरी परत के रूप में वर्णित किया है और इसे मस्कुलस मासेस्टर पार्स कोरोनिडिया नाम देने का प्रस्ताव रखा है। मासेस्टर मांसपेशी को कान के निचले हिस्से में महसूस किया जा सकता है। मासेस्टर मांसपेशी ही जबड़े के निचले हिस्से को ऊपर उठाती है और खाने को चबाने में इसकी अहम भूमिका होती है। तो जनरल नॉलेज का यही वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।